योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नियुक्ति नहीं होने से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। योग शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के बैनर तले देहरादून में सचिवालय कूच किया, लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेटिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज योग शिक्षकों ने सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेरोजगार महासंघ के प्रदेश महासचिव कुमार मंगलम सेमवाल का कहना है कि 31 दिसंबर 2021 को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 119 राजकीय महाविद्यालयों और प्रत्येक जिलों में एक एक राज इंटर कॉलेज में योग प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आयुष और एलोपैथी अस्पतालों में योग प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने योग शिक्षकों को जल्द नियुक्ति नहीं दी तो उन्हें अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी जो है बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन बेसिकली जो मांग है वो ये है कि भाई कैबिनेट में जो फैसला दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें 119 पद आपके महाविद्यालय में थे और 13 जो है इंटर कॉलेज में थे, उनको लेके जो है हम लोग पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ जो है जो अभी अनुदेशक लगे हुए हैं, ठीक है, उनके भी हम लोग वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि उनको सिर्फ महिलाओं को शायद 5,000 रुपये मिल रहा है और पुरुष अनुदेशकों को 8,000 रुपये मिल रहा है। तो इतनी महंगाई में जो है इतने कम सैलरी देना ये कोई वाजिब बात नहीं है। इसके साथ साथ हमारी एक दो मांगे और है कि भाई जो इंटर कॉलेज हैं या आपके जो हाई सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें भी योग शिक्षकों को रखा जाए। आयुर्वेदिक जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वेलनेस हैं, उनमें भी योग शिक्षकों की मांग को रखा जाए, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं मैम, अभी तक जो है नियुक्ति का शासनादेश जारी नहीं हुआ था। और इससे पहले अक्टूबर में हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे जो है प्रोटेस्ट किया था, वहाँ से भी कोई इस तरह का रिस्पांस नहीं मिला है। आज हम लोग दोबारा जो है इस चीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। थैंक यू। प्रदेश में इस समय 65,000 से अधिक के ऊपर से बेरोजगार हैं, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इससे पहले हमने शिक्षा निदेशालय में 360 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। कई पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय जी को और शासन प्रशासन के तमाम अधिकारियों को प्रेषित किए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मांग पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और इसके बाद हम सीधे यहाँ से सचिवालय घेराव करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।